चैनल उषा ब्लॉग्स में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी चने बनाना, सूखे चने यानी कि फ्राई चने। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए हमने एक कढ़ाई में कढ़ाई रख दिया गैस में और इसमें तेल डाल दिया थोड़ा सा, और ये चने मैंने कल शाम को भिगा दिए थे, और इसमें एक गिलास के करीबन पानी डाल के एक डेढ़ गिलास चार पाँच सीटी लगा दी थी। ये अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक गए हैं चने। अब इसमें मैंने प्याज काट लिए हैं और ये लहसुन भी मैंने पीस दिया है, और ये जीरा ले लिया है, हो गया है आप देख सकते हैं। इसे मैंने ये जीरा और राई ये डाल दिया है। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए, ये देखिए प्याज कटा हुआ लिया है मैंने, इसमें दो तीन हरी मिर्ची डाल लेते हैं, डाल देते हैं इसको होने देते। ना इसको ब्राउन होने देते हैं, इसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन। ये बहुत पौष्टिक होते हैं फ्रेंड्स चने, आप भिगा के बनाइए, वैसे कच्चे भी खाते हैं बहुत लोग, और आप खाली जीरे का तड़का लगा के भी इन्हें छोंक सकते हैं, ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। जो जैसे व्रत वगैरह में लहसुन प्याज नहीं खाते, तो आप सिर्फ टमाटर डालें या बिना टमाटर के भी आप बना सकते हैं, एक ही मसाले डालिए आप। अगर आप सिर्फ जीरे का तड़का लगा के बनाइए और सिर्फ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और छोले मसाले भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए ये इसको लहसुन को होने देते हैं, और ये मसाला देखिए इसे मैंने धनिया पाउडर, जीरा मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाले के, क्योंकि हरी मिर्ची काट रखी है, इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको ये डालूंगी, आप सिर्फ मसाले डाल के भी, जो मैं बता रही थी धनिया पाउडर डालिए, जीरा पाउडर डालिए, हल्दी पाउडर, ये मसाले डाल के, या आप पीस सकते हैं खड़े मसाले, वैसे ही बना सकते हैं बिना लहसुन प्याज के भी। और ये इसके हो गया है फ्रेंड्स, लहसुन मतलब ब्राउन लहसुन की खुशबू आ गई है, उसमें इसमें डाल दीजिए टमाटर, पीसे हुए टमाटर। इसके साथ ही टेस्ट के अनुसार आप नमक, थोड़ा कम डालिए नमक क्योंकि पहले भी डाल रखा है हमने। इसे मैंने बॉईल करते समय मैंने कहा एक गिलास डेढ़ गिलास, मतलब एक गिलास बड़ी गिलास का एक गिलास या छोटी गिलास का डेढ़ गिलास लगभग आप पानी डालिए, अपने अंदाज से डालिए, या तो हल्दी और नमक दोनों चीज़ डालिए। नमक मैंने थोड़ा ही डाल रखा है, तो इसमें आप कम नमक डालिए, इसको थोड़ा अंदाज कर लीजिएगा कि इसमें आपने कितना नमक डाल रखा है। पहले बॉईल करते समय आप डालिए, आप अंदाज कर लीजिएगा कि आपने इसमें कितना नमक डाल रखा है, तो फिर उसी हिसाब से इसमें डालिए। आपने इसमें उबालते समय डालना ही पड़ेगा नमक, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं छोटे से। दो मिनट ढक के पका दिया था मसाले, ये इसे मैंने टमाटर डाल दिया था घिस के, तो फिर उसको डालने के बाद दो तीन मिनट, एक दो मिनट मैंने बिल्कुल मंदा आँच में से ढक के पका दिया था। इसमें तेल देखिए बाहर आ गया है, ये दो तीन मिनट बिल्कुल सिम आँच में इसमें ये मसाले डाल देती हूँ मैं, आप इसमें छोला मसाला भी मिला सकते हैं, और इसमें वैसे बहुत मसाले हैं, बहुत मसाले भी ठीक नहीं होते सेहत के लिए, आप ज़्यादा मसालेदार बनाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ये पानी सही डालिए, ये अब यहाँ सूख जाएगा, ये पानी सूखने तक पकाइए आप इसको, इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया है, थोड़ा कम डालिए आप पकाते समय पानी, या इस पानी को थोड़ा कम कर दीजिए, इस पानी को आप फिर किसी और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, आप थोड़ा कम कर सकते हैं पानी, थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे कहने से, आप थोड़ा कम पानी डालिए और इसको पकने दीजिए तेज़ आँच में, जब ये पानी सूखने तक पकाइए। और आप सूखे बनाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, पानी बिल्कुल अलग कर सकते हैं, उस पानी को आप दूसरी चीज़ में इस्तेमाल कीजिए लेकिन फेंके मत, और या थोड़ा ही पानी रहने दीजिए, आधा पानी रहने दीजिए, कोई बात ही, आप इसमें थोड़ा या तो कम पानी हो जाए, इसे सूखने देते हैं, पानी सूखने तक इसको पकाइए, या जितना थोड़ा सा आप हल्का सा लटपटा खाते हैं तो वो पकाइए, लेकिन सूखे चने बना रहे हैं तो सूखने देते हैं, नहीं तो लटपटाना खाते हैं तो थोड़ा रसदार वैसे बनाइए। ठीक है, सो ढक कर पका लेते हैं, जिस समय आप दिए के बीच में चेक करते रहिए, और जिस समय पानी सूख जाता है उस समय तक आप फ्रेंड्स इसको आप
ऐसे खोल के ही पका सकते हैं कि इस समय अगर पानी सूखने में देर हो रही है, आपको जल्दी है, और इसको आप तेज आँच से पकाइए या तेज से कम आँच से पकाइए, बिल्कुल धीम आँच से पकाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पहले हमने इसमें 3-4 सीटियां या 4-5 सीटियां लगा रखी हैं। आप देख लीजिए आपके कुकर के हिसाब से, किसी कुकर में जल्दी भी गल जाता है, किसी में देर में, फिर मौसम भी होता है, कहीं गर्म या ज़्यादा होता है, उसी हिसाब से सीटियाँ लगा लीजिए। फिर देखिए कुछ देर आप शुरू में या लास्ट में आप थोड़ा देर खोल के ही पका सकते हैं, और वैसे आप नहीं तो ढक के पकाइए। देखिए बहुत हद तक पानी सूख गया है, और थोड़ा देर आप इसे और पकने दें, मेरे ख्याल से हो गए होंगे इसके रखे हुए 3-4 मिनट हो गए थे हमें ये थोड़ा तेज़ में या तेज़ से थोड़ा कम आंच में रखे हुए हो गए होंगे 3-4 मिनट, तो थोड़ा देर और पकाते हैं हम। 3-4 या 5 मिनट हो ही गए होंगे, सूख गया है। इसमें थोड़ा आप प्याज कम डाल सकते हैं या पतला काट सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा मेरे कहने थोड़ा प्याज ज़्यादा हो गया है और थोड़ा मोटा हो गया, ज़्यादा पसंद करते हैं तो डालिए, लेकिन थोड़ा महीन काटेंगे ज़्यादा सही रहेगा। इसमें अब हम मिला देते हैं थोड़ा गरम मसाला, और एक पैकेट आप मिला दीजिए इसमें, एक पैकेट या आधा पैकेट, इसमें मसाले बहुत हो गए तो आधा पैकेट बहुत रहेगा मैगी मसाला मैजिक, और इसको आप मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा कसूरी मेथी, फ्रेंड्स इसमें हमने हरा धनिया तो डाल रखा है, आप इसमें हरी मिर्ची तो डाल रखी है, सॉरी आप हरा धनिया भी डालेंगे तो बहुत सही रहेगा, लेकिन ये कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ मैं, इसके बाद बहुत सही रहेगा। उसके बाद कुछ सेकेंड इसको ऐसे बिल्कुल मंदा आँच में, अब ये देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है, आप इसे रख दीजिए, तो फिर ये इस समय ये गरम मसाला और ये मैगी मसाला और ये सब मिक्स हो जाएगा। 1-2 सेकेंड आप पकाइए इसको, उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊं। इसे बंद कर दिया है मैंने, आप देखिए फ्रेंड्स इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं क्या बताऊं। इसको आप इसमें सर्व कर दीजिए, इसमें मैं आपको बताती हूँ सर्व कैसे करें। इसमें थोड़ा मैंने प्याज भी काट दिया है, ऊपर से डाल दीजिए आप, और इसे अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो इसके साथ रायता और दूध या मट्ठे के साथ आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको। इसमें मैं थोड़ा सा रायता भी डाल देती हूँ, मैं रायता डाल के अच्छा मान लेती हूँ खाने के लिए। आप बताइए आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।